हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे होटल सॉफ्टवेयर में हमने चेक इन कैसे करना है। कि जैसे कोई भी कस्टमर है, कोई हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है या कुछ हमारे ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू आते हैं, तो जो भी हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर आते हैं उनकी हमने डायरेक्ट चेक इन कैसे करनी है, और कैसे हमने जो रिजर्वेशन कर रखी हैं ऑलरेडी उनको कैसे हमने उनको चेक इन कैसे करना है। तो सपोज मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया कि हमने रिजर्वेशन कैसे करनी है, जो भी हमें एडवांस बुकिंग आती है। तो जो लास्ट वीडियो को पहले मैं आपको उसको मैं रिमाइंड करता हूँ, जो लास्ट वीडियो मैंने बताया कि जो हमारे पास एडवांस बुकिंग आती है उसको हमने मैंने प्रॉपर गाइड किया है उसमें। तो जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि हमारे इस राइट साइड में जो भी कॉलम है, यहाँ पर जो भी एडवांस बुकिंग होंगी यहाँ पर शो कर जाएंगी। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ के कस्टमर जो भी हैं, ये हमारे पास अभी यहाँ के तो एडवांस बुकिंग है। कोई भी कस्टमर हमारे पास आज के दिन ये चेक इन कर ले रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने देखिए शॉर्टकट की दिया हुआ है कौन से रूम को करना चेक इन। यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ से हम चेक इन कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक इन के ऑप्शन पे और डायरेक्टली हम क्लिक कर देंगे। कुछ भी हमें रिपीट फिल करने की ज़रूरत नहीं, जो भी हमने रिजर्वेशन पर डिटेल्स डाली थी ऑलरेडी वही सारा पिक कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नहीं पता लग रहा हमने चेक इन कैसे करना स्टार्टिंग से, तो हमने ये देखिए ऊपर यहाँ पे हमने चेक इन का भी दिया हुआ कॉलम, तो डायरेक्टली चेक इन पे क्लिक करेंगे तो आपको चेक इन का फॉर्म खुल जाएगा। एक यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हमने देखिए जो फर्स्ट कॉलम है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे रूम रिजर्वेशन चेक इन, दो चेक इन के दो चेक बटन लगे हुए हैं। तो जैसे आपने सपोज चेक पे करना है, क्लिक चेक इन करना है, तो कौन से रूम को क्लिक करना है आपने, डायरेक्टली हम उसी रूम को चेक इन कर सकते हैं। जैसे सपोज 302, तो यहीं से हम 302 रूम को उठा के लिस्ट ऑफ गेस्ट से हमने यहाँ पे सिर्फ अपने गेस्ट को उठाना है। जो भी गेस्ट पिक कर लेंगे यहाँ से, और पिक करने के बाद जस्ट नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, देखिए सारी डिटेल्स, कस्टमर कहाँ से कमिंग फ्रॉम गोइंग टू, ये डिटेल्स हम फिल कर सकते हैं। अगर कुछ आप इस पर्सन से एडवांस ले रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने 500 एडवांस लिया, तो वो भी हम यहाँ पे फिल करके जस्ट सिंपल चेक इन पे क्लिक कर देंगे, हमारा कस्टमर जो है सिंपल चेक इन हो जाएगा। और हमने उनको अगर प्रिंट देना है तो प्रिंट भी तुरंत उनको हम दे सकते हैं। ये देखिए सारी डिटेल्स, आपके होटल की प्रॉपर सारी डिटेल, कब, कस्टमर का नाम, सारी चीज़ें लिखी आएंगी। अगर आपने सिर्फ उनको पेमेंट रिसिप्ट देना है तो वो भी आप A5 पे दे सकते हैं। देखिए कितना उन्होंने पेमेंट किया, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी एडवांस पेमेंट उन्होंने पे किया आपके होटल में। तो इस तरह से हमारा जो है कि प्रॉपर एक सिंपल चेक इन है। कुछ भी हमने डिस्काउंट, अपडेट, कुछ भी करना है तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे आज के दिन की हमने रिपोर्ट देखनी है, आज के दिन कितने चेक इन हुए हैं, तो यहाँ पर ये देखिए आपको एक सेकेंड में सारी रिपोर्ट मिल जाएगी डेट वाइज। और अगर उन्हें इनको PDF में लेना है तो PDF में भी आप ले सकते हैं, किसका कितना कितना भी बैलेंस बाकी है वो सारा शो कर देगा आपको पार्टी वाइज, जिसके आज के दिन जितने चेक इन हुए हैं। और भी रिपोर्ट्स यहाँ पे सर्च आउट, डेट आगे पीछे करके भी, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। और बाकी और रिपोर्ट्स यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी कस्टमर की चेक इन की रिपोर्ट्स, तो वो भी आपको सारी यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। ये देखिए आपको किसी पर्टिकुलर गेस्ट वाइज सर्च करना है तो वो भी मिल जाएगी, रूम वाइज सर्च करना है, स्टेटस चेक इन चेकआउट हो गया है कि नहीं हुआ, ये सारी लिस्ट आपको, सारी रिपोर्ट्स प्रॉपरली हमारे सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस रहा चेक इन का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगा कि हमने कस्टमर को चेकआउट कैसे करना है। तो हमारे साथ अभी वीडियोस में आप बने रहिए और देखते रहिए इन वीडियोस को। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।